इस वीडियो के अंदर हम जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड 2020 की कितनी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, लाइक एमएससी इन लाइफ साइंस के बारे में बात करूँ तो टोटल 38 सीट है प्लस 2 पीडब्ल्यूडी की, जिसके अंदर जनरल की है 15 सीट, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 10 एंड एससी की 6 एंड एसटी की 3 एंड पीडब्ल्यूडी की 2 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें तो टोटल 39 सीट है प्लस 2 पीडब्ल्यू की अलग से है, तो जिसमें जनरल की सीट है आपकी 15, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 11, एससी की 6, एसटी की 3 एंड पीडब्ल्यूडी की 2 सीट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2020 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर हम इसे लाइफ साइंस की बात करें तो टोटल यहाँ पे लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 74 मार्क्स गई थी 15 रैंक तक। ओके, एनवायरमेंटल साइंस में 62 मार्क्स गई थी एंड 15 रैंक तक, एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन के अंदर 79 मार्क्स गई थी 4 रैंक तक, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मेडिसिन में सीटी बहुत वैसे ही कम है, राइट। तो बाकी अदर कैटेगरी के आप देख सकते हो कितने मार्क्स गई थी और उस कैटेगरी के अंदर कितनी रैंक थी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, जनरल या ईडब्ल्यूएस से, तो आपकी एटलीस्ट 30% तो आनी ही चाहिए। ओबीसी के अंदर एटलीस्ट 27% तो आने ही चाहिए। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 25% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर जो गूगल फॉर्म में आपसे फिल करवाया था जिसके अंदर आपने सबने अपने रिस्पॉन्स दिए थे तो टोटल 161 रिस्पॉन्स आया था, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। इसमें भी अगर मैं बात करूँ कि कितने उन्होंने लाइफ साइंस में अप्लाई किया एंड एनवायरमेंटल साइंस में, तो आप देख सकते हो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनवायरमेंटल साइंस। बाकी मॉलिकुलर मेडिसिन के तो स्टूडेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इन सारे डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम जो आपने गूगल फॉर्म फिल किया उसके कट ऑफ उसके मार्क्स अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे आप दिख रहा ना, ये आपका एमएससी लाइफ साइंस और एनवायरमेंटल साइंस दोनों का डेटा है, तो जिसमें आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो 86 मार्क्स है, राइट। तो यहाँ दोनों का डेटा आप देख सकते हो, तो इतने सारे आपके आए थे फॉर्म्स, राइट। ओनली लाइफ साइंस की मैं बात करूँ तो लाइफ साइंस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ से आप स्टार्ट कर लेना, 86 से 9900 तो आएंगे ही नहीं, ऊपर तो और ही लाइक थे ही नहीं मार्क्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो इतना सारा डेटा आपका है। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगी। ओके, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस में अगर आप देखोगे तो उसकी भी आप यहाँ 76 से स्टार्ट कर सकते हो, ये आपका रहा इतना डेटा। तो डेटा को देखते अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हो कि जनरल के अंदर आपके एटलीस्ट 67 मार्क्स तो आने ही चाहिए, एससी के अंदर 53 मार्क्स आने चाहिए, एसटी के अंदर 54, ओबीसी में 63 एंड ईडब्ल्यूएस में 65। इतना आपका लाइक इतने अगर आपके मार्क्स आए ना, आप थोड़ा सेफ कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। लोग कट ऑफ जा सकती है बट इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये चीज है। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था, लास्ट ईयर में कट ऑफ हाई इसलिए गई थी, जो पेपर था थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू दिस ईयर, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी उससे थोड़ा कम जाएगी, ज्यादा कम तो नहीं जाएगी बट थोड़ा यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके रिगार्डिंग आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इन सबकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।